अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां जिले के राजनगर नगर परिषद में जियो कंपनी के ठेकेदारों की लापरवाही जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। आने जाने के लिए रोड बाधित हो रहे हैं। जियो कंपनी के ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत से जगह जगह ये अवैध तरीके से गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिस पर नगर परिषद अध्यक्ष जीतू वर्मा ने नाराजगी व्यक्त की है और जियो कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही तत्काल FIR करने के निर्देश जारी किए हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष जीतू वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, नगर परिषद के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई परमिशन जियो कंपनी के ठेकेदारों द्वारा नहीं ली गई और ना ही उसकी मुझे कोई जानकारी है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा अवैध तरीके से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। नगर में भ्रमण करने निकला तो मैंने देखा गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिनकी ना तो संबंधित कर्मचारियों के पास कोई परमिशन है और ना ही कोई दस्तावेज पाए गए। संबंधित ठेकेदार पर FIR करने की बात कही गई, साथ ही मौके पर पुलिस बल बुलाकर मशीन को भी जब्त करने के निर्देश दिए गए। भैया, हमारे ज्ञान में अभी तक जो करंट पोजीशन है और जो हमें जानकारी है, चूंकि कल छुट्टी हती तो हम नहीं बता सकत, बाकी इनकी परमिशन हमारे ज्ञान अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्यों जबरदस्ती या तानाशाही से अपनी नगर की रोडें खराब कर रहे हैं? बड़ी कई लागत से, लाखों रुपए की लागत से आपने इन रोडों को बनवाया और इस तरह से ये सारी रोड क्षतिग्रस्त नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हुई है और नियम के विरुद्ध काम कोई का नहीं करंदा हो है। जैसे ही हमें मोहल्ला वाले से जानकारी भाई, कल तो हम भोपाल में थे, जैसे ही जो लोग सारे लोग आए हमारे घर पे, हम तत्काल जो है पे आए, मौका पे काम बंद करवाओ, पुलिस को सूचना दी है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई करवाइए इनके खिलाफ। नहीं तो ये इनके जो हैं इंजीनियर वगैरह, उनका कहना ये है कि परमिशन CO द्वारा हमें जारी की गई है, ऐसा कुछ है क्या? हमारी जानकारी में तो नहीं है, अगर है तो नियम ये हो कि भैया रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो रहते पे मौका पे दिखाए। अभी हम खड़े हैं कि उनके लोग आ रहे हैं, अगर वो आते हैं तो वो हमें दिखाएं और हम जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मान लीजिए इनके पास अगर परमिशन नहीं होती है तो फिर क्या कार्रवाई होगी इनके? कार्रवाई ये होगी कि पुलिस जो है अपने हिसाब से जो भी विधि के अनुसार व्यवस्था होगी उसके खिलाफ, संबंधी जन के खिलाफ उस पर केस दर्ज होगा, साथ में जो भी हमारे नगर पालिका एक्ट में व्यवस्थाएं होंगी उनके अनुसार इनको दंडित किया जाएगा। ये मशीन वगैरह जो रखी है ये भी जब्त कराएंगे क्या? बिल्कुल, पुलिस को भी बुलाया था ना। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।